Hi, welcome to my channel. It's between solving question 19. Multiply the monomial by the binomial and find the value of each for x is equal to minus 1, y is equal to 0.25 and z is equal to 0.05. So, here we will solve one by one. Let's solve first. 15y square in bracket 2 minus 3x. So, first of all, 15y square se 2 multiply karenge. After that, minus 3x. Mein. साइन को ध्यान में रखते हुए दूसरे टर्म में जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो नेगेटिव यहां पे पॉजिटिव है सो नेगेटिव यहां पे साइन होगा मतलब साइन को मल्टीप्लाई करके आप लिखेंगे 15 टू जा 30 हो जाएगा 30y² - 45xy² सो यहां पर x और y की वैल्यू हम पुट कर लेंगे और सॉल्व करेंगे ओके तो हमने यहां पर पुट कर लिया है सो नाउ यहां सॉल्व करेंगे 0.25 को हम लिख सकते हैं 1/4 यहां ध्यान दीजिए माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर यहां प्लस हो जाएगा सो यहां मिल जाएगा 45 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 को लिखेंगे 1/4 तो ये मिल जाएगा आपको 1/4 * 1/4 टू टाइम्स सो नाउ अब यहां पर यदि हम सॉल्व करते हैं तो यहां कैंसिल आउट करेंगे तो कर सकते हैं या फिर नहीं करेंगे तब भी आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप कैंसिल आउट कर लें सही रहेगा 2 * 2 4 ये 15 हो जाएगा सो मिल जाएगा आपको 15/8 प्लस यहां मिलेगा 45 यहां कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे बस 16 आ जाएगा अब यहां पर एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आपका होगा 16 तो यहां से हो जाएगा 8 2 जा तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस फर्स्ट पार्ट ओके सेकंड वन मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले यहां माइनस साइन है यहां प्लस साइन है सो माइनस होगा माइनस 3xy² देखिए यहां माइनस साइन है यहां प्लस साइन है तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस मिलेगा सो मिलेगा आपको 3xz² तो ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन अब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे x y z का सो हमने वैल्यू पुट कर लिया है अब यहां पर सॉल्व कर लेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहां पर 3 हो जाएगा 3 0.25 को लिख सकते हैं 1/4 तो 1/4 हम 2 टाइम्स लिख देंगे देखिए आप यदि रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखते हैं तो अच्छा रहेगा क्योंकि इससे आप आसानी से सॉल्व कर लेते हैं ओके माइनस यहां देखिए माइनस और प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा प्लस 3 टाइम्स सो 1/20 यहां पर रख लेंगे 2 टाइम्स क्योंकि आपका स्क्वायर्ड यहां पर है अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्चुअली यहां पर कुछ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन नहीं है सो हमारा मिल जाएगा 3/ सो 39/200 इज योर आंसर फॉर दिस पार्ट नाउ द थर्ड पार्ट पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे यहां पर तो देखिए z² * x करेंगे आपको मिलेगा z² x - z² * y करेंगे z² y तो यहां पर ऐसे हो गया अब यहां पर वैल्यू पुट कर लेंगे x और xy एंड z का तो हमने वैल्यू पुट कर लिया है अब यहां पर डेसिमल को हम कन्वर्ट कर लेंगे रेशनल नंबर में तो ये आपका 0.05 को सॉल्व करेंगे जब 100 से डिवाइड करके आपको मिल जाएगा 1/20 और -1 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहां पे माइनस लगा देते हैं ठीक है हो गया माइनस यहां पर देखिए 0.05 को लिख सकते हैं 1/20 तो यहां लिखना होगा 1/20 मल्टीप्लाइड बाय 1/20 * 0.25 को लिख सकते हैं आप 1/4 यदि हम इसका एलसीएम लेते हैं तो मिलेगा आपको 1600 400 से डिवाइड करेंगे आप तो दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे और 4 से 16 में जाएगा तो 4 बचेगा केवल -4 माइनस 1600 से डिवाइड करेंगे तो केवल 1 बचेगा आपको मिल जाएगा -5/1600 यहां पर कैंसिल आउट कर सकते हैं 505 एंड 5 3 = 15 5 2 = 10 0 सो आपको मिल जाएगा -1/320 सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस थर्ड पार्ट नाउ द फोर्थ पार्ट तो पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे यहां पर xz मल्टीप्लाइड बाय x² + xz मल्टीप्लाइड बाय y² तो आपको मिल जाएगा यहां पर x³ देखिए x के पावर्स को ऐड कर देंगे एंड z प्लस xzy² मींस xy² z अब यहां पर वैल्यू पुट कर लेंगे xyz का और सॉल्व कर लेंगे तो इसमें वैल्यू पुट करने पर मिलेगा हमें सॉल्व करते हैं तो ये -1 का होल क्यूब करेंगे माइनस मिलेगा तो माइनस 0.05 को यदि आप रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो मिलेगा 1/20 देखिए माइनस और प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा यहां पर और 0.25 का होल स्क्वायर यहां पे हुआ है तो 0.25 को लिखेंगे 1/4 तो आपको मिल जाएगा 1/4 * 1/4 2 टाइम्स * 0.05 लिखेंगे इसको रेशनल नंबर में तो 1/20 मिलेगा
सो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस वन अपॉन ट्वेंटी माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको मिलेगा वन अपॉन फोर फोर जा सिक्सटीन, सिक्सटीन टू जा थर्टी टू जीरो। अब यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम, तो यहाँ एलसीएम होगा 320 16, तो ये हो जाएगा माइनस 16 माइनस, इसे डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 1 इंटू 1 ही रहेगा यहाँ पर, तो आपको मिल जाएगा माइनस 17 अपॉन 320। सो दिस इज योर आंसर फॉर द फोर्थ पार्ट एंड द फाइनल पार्ट। ओके, यदि आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि नहीं डाउट है तभी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मेरे लिए तो अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।